देखिए आग जो कि बाईपास के कूड़े पे आग लगी हुई है, ये आग जो शहर से लगी हुई है, और देखो दूसरी तरफ पीछे बलसवा में बुद्धियों तक जाने जा चुकी है। जहाँ पर खाद बनाने का काम है हो रहा है वहाँ पर भी आग पीछे पहुँच चुकी है दूसरी तरफ। ये देखिए पूरे खत्ते पे आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से भी आग पर काबू नहीं पाया जा सकती। ये आग बहुत ही विशाल तौर पर लगी है। देखिए आग जो कि बाईपास के कूड़े पे आग लगी हुई है, ये आग जो शहर से लगी हुई है, और देखो दूसरी तरफ पीछे बलसवा में बुद्धियों तक जाने जा चुकी है। जहाँ पर खाद बनाने का काम है हो रहा है वहाँ पर भी आग पीछे पहुँच चुकी है दूसरी तरफ। ये देखिए पूरे खत्ते पे आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से भी आग पर काबू नहीं पाया जा सकती। ये आग बहुत ही विशाल तौर पर लगी। नमस्कार साथियों, मैं सुरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से वार्ड नंबर 20 से पूर्व इंद्र जाती हूँ। साथियों आज मैं भलसो डेयरी के खत्ते पर खड़ा हूँ। देखिए खत्ते में कितनी भीषण आग लगी है, और इसे कितना धुआं कितना पोल्यूशन हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है आखिर? इसका जिम्मेवार है भाजपा की MCP। 15 साल से प्रशासन में है, 15 साल से सत्ता में MCP में, लेकिन इस खत्ते पर कोई ध्यान नहीं दिया। ना इस खत्ते को कभी हटवाया। आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती रहती है, कभी खत्ता गिर जाता है उसमें लोग दब जाते हैं, कई बार ऐसा होता है इस खत्ते में आग लग जाती है। आज की आग देखकर मेरा दिल पूरी तरह से मुझे पूरी तरह से इतना डर लग रहा है अंदर से कि हमारे सारे परिवार यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, हम यहाँ का राजनीति करने आते हैं। यहाँ मेरा घर है, ये हमारा निवास है, हम परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं, और ये जो इतना धुआं निकला है, लाखों टन धुआं इसमें से निकला है, ये कहाँ जाएगा? ये हमारे घरों में जाएगा, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो यहाँ पर बाहर से राजनीति करने आते हैं उन पर उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। परेशानी हमारे यहाँ के लोगों को है। आसपास यहाँ कॉलोनियाँ हैं, सबसे पहले कॉलोनी है बसंत दादा पाटिल नगर है, विश्वनाथपुरी है, और आपका कलंदा कॉलोनी है, बलसो डेयरी है, राजीव नगर है, श्रद्धानंद कॉलोनी है, बलसो जय कॉलोनी है, गुरु नानक देव कॉलोनी है, साथ में आपका रोहिणी के आसपास बड़ी बड़ी कॉलोनी दूसरी भी हैं, लेकिन इन कॉलोनी के बीच में ये खत्ता यहाँ पर डाल रखा है, और इस खत्ते को डाले हुए कम से कम 25-30 साल हो गए हैं। इसको ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया है। मैं भाजपा की मोदी सरकार से, भाजपा के मेयर से, भाजपा की नगर निगम से अपील करता हूँ, राजीव जी नगर है, इस खत्ते को यहाँ से हटाएं। ये खत्ता हमारे जीवन का खिलवाड़ कर रहा है, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये धुआं निकलेगा हमारे फेफड़ों में जाएगा, हम इस धुएं में सांस लेते हैं। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ इस पर राजीव जी नगर का इसका निवारण करें, इसका समाधान करें। आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रधानमंत्री मोदी से और भाजपा के मेयर से, भाजपा की नगर निगम से अपील है, इस खत्ते का समाधान करें। राजीव जी नगर राजीव जी करते हुए 15 साल हो गए, आपने राजनीति कर ली, लेकिन आप काम करो प्लीज़। रिक्वेस्ट है आपसे, एक दिल्ली के नागरिक के नाते, एक स्थानीय निवासी होने के नाते आपसे अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ इस खत्ते को यहाँ से हटाएं। धन्यवाद।